नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि गोभी का बीज कैसे तैयार करते हैं। तो ये देखिए, गोभी को आप छोड़ दीजिए, जब वो तैयार हो जाए उसके बाद आप उसे कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए, तो देखिएगा कि गोभी का रंग इस तरह से कुछ चेंज हो जाएगा और उसमें से लंबा लंबा होके ऊपर की तरफ फूल जैसा निकलने लगेगा। कुछ दिनों के बाद उसमें देखिए इस तरह का सरसों के फूल की तरह फूल आ जाती है। आपने देखा होगा कि गोभी का बीज भी कुछ सरसों के दाने की तरह होता है, और उसके बाद क्या होता है कि ये देखिए बिल्कुल सरसों की फलियों की तरह इसमें फली तैयार हो जाती है फूल के बाद। और इसका पूरा प्रोसेस जो होता है, ये जैसे सरसों होता है उसी तरह से होता है करीब करीब। उसके बाद आप इसको इसी तरह थोड़ी दिनों के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि ये पेड़ में ही पूरी तरह सूख ना जाए। जब ये सूख जाए तो उसको निकाल के एक दो दिन और आप सुखा लीजिए कड़ी धूप में। उसके बाद ये कुछ इस तरह से दिखने लगता है। इसको क्रश कर दीजिए आप, जैसे मेन सरसों को जिस तरह से निकाला जाता है उसी तरह से ये गोभी के बीजों को भी निकाला जाता है। तो देखिए इस तरह से आप उसे क्रश कर देंगे तो इससे आप बहुत आसानी से गोभी का बीज निकाल सकते हैं, फुली ऑर्गेनिक। और आप अपने सामने देखेंगे अच्छी क्वालिटी का गोभी लेकर उसके बीज को आप इस तरह से निकाल सकते हैं और उसे स्टोर करके आप रख दीजिए, अगले साल आपके काम आएगा। और देखिए, हम थोड़ी सी गोभी का बीज लेने जाते हैं तो वो कितना महंगा पड़ता है। और मैंने दो गोभी के फूल छोड़े थे, अगर आप एक भी छोड़िएगा तो भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में आपको गोभी का बीज मिल जाएगा। तो ये देखिए, मैंने गोभी के बीज को इस तरह से निकाल लिया अच्छी तरह से। इस तरह से क्रश करते हुए सारे बीजों को हम निकाल लेंगे और छिलकों को इससे अलग कर देंगे। छिलके को अलग करने के बाद इसे खूब अच्छी तरह से साफ करके और इसे आप किसी डब्बे में स्टोर कर दीजिए, और ये आराम से अगले साल तक आपको अगले साल काम आ जाएगा। और बहुत आसानी से आप इस तरह से सब्जियों के, मैंने और भी कई सब्जियों के बीज निकाल कर स्टोर करना आपको बताया है। तो ये देखिए कैसे ये बीज जब आप मार्केट से लाते होंगे तो वो इसी तरह की दिखती होगी, राई की तरह, काले वाले सरसों की तरह। तो ये देखिए, मैं अब इसे इसमें जो धूल उल है सारी चीज़ों को, इसके छिलकों को सब साफ कर देंगे इस तरह से अच्छी तरह से क्रश करके। तो घर पे बीज बना लेने से क्या, बहुत हमें बहुत सस्ता भी पड़ता है गार्डनिंग करना हमारे लिए। एक तो जब चाहें तो हम बीज डाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास अवेलेबल होता है अगले साल के लिए। कई बार हम मार्केट में जाते हैं और हमें बीज अवेलेबल नहीं होता है तो हमारा डिले हो जाता है बीज को डालने का, कभी कभी टाइम निकल जाता है। तो एक तो ये हमारे पास हमेशा ही अवेलेबल रहेगा। और आप ये देखिए खुद ही कितनी, मतलब दो गोभी को छोड़ने के बाद इतना ज़्यादा बीज मेरे पास इकट्ठा हो गया है कि बहुत ज़्यादा हो गया है इकट्ठा। इससे कई पौधे तैयार हो जाएंगे। बहुत आसानी से मैंने सिर्फ दो गोभी को छोड़ दिया था। एक गोभी छोड़ देते तो अच्छी खासी क्वांटिटी में मेरे पास बीज जमा हो जाता है। ये देखिए कितना सारा बीज है, ये अनलिमिटेड पौधा इससे उगा सकते हैं हम। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।